हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल सो आपने टाइटल देख के आपको समझ आ गया हो okay, ये ब्लॉग किसके ऊपर होने वाला है तो जी हाँ ये ब्लॉग आपका जो होने वाला है ये कम्प्लीटली जावा का ओवरव्यू है जावा बाइक के ऊपर इसमें आपको कम्पलीटली ओवरव्यू प्रोवाइड करा जाएगा और आपको कोई भी जावा से रिलेटेड डाउट्स हैं तो वो आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो जो इसमें आपको इंजन प्रोवाइड करा जाएगा वो 293 सीसी का इंजन होगा सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक लिक्विड कोल्ड डी ओ वाला आपको इंजन इसमें प्रोवाइड करा जाएगा इसमें आपको जो मैक्सिमम मैक्सिम ये जो इंजन आपको देता है वो 27 न्यूटन मीटर का देता है और सिंगल सिलेंडर में ये आपको प्रोवाइड करी जाती है कूलिंग सिस्टम इसका लिक्विड कोल्ड रहने वाला है तो साथ ही साथ इसके टायर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो जो आपको फ्रंट व्हील आपको मिलेगा वो 90 बाय नाइन्टी का 18 का सेक्शन मिलेगा और रियर की बात कर लेते हैं तो 120 ट्वेंटी बाय बाई एटी सेवेंटीन का इसमें आपको टायर प्रोवाइड करा जाता है एंड यहाँ लाइट्स की बात कर लेते हैं तो इसमें जो फ्रंट जो फ्रंट और जो टेल लाइट रहने वाली है वो बेसिकली इसमें हैलोजन प्रोवाइड करी जाएगी और इसमें बल्ब बल्ब फंक्शनैलिटी होती है तो यहाँ पे कोई भी एलईडी ई यहाँ पर रोल प्ले नहीं करता है और साथ ही साथ बात कर लेते हैं अगर इसकी इसकी की स्पेसिफिकेशन की तो इसकी की स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है रॉयल इनफील्ड के जैसे इसमें भी आपको डाउन स्ट्रीम में की, की प्रोवाइड करी जाती है ब्रेक्स प्रोफाइल की यहाँ पे बात करते हैं तो आपको फ्रंट ब्रेक और जो रेयर ब्रेक है दोनों ही आपको डिस्क में प्रोवाइड करी जाएगी और ये कम्प्लीटली ड्यूअल चैनल ए रहने वाला है और अगर व्हील्स की व्हील्स टाइप की बात कर लेते हैं तो व्हील्स यहाँ पे आपके स्पोक रहेंगे एंड यहाँ पे टायर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो इसमें जो आपका टायर प्रोफाइल है वो आपकी ट्यूब रहने वाली है तो बेसिकली अगर आपकी कहीं भी पंचर होता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है तो इसका भी मार्केट में सॉल्यूशन आ चुका है तो आप उस सॉल्यूशन को ऑप्ट कर सकते हैं अपनी चावों में तो बात कर लेते हैं इसकी ओवरऑल लुक और ये किन लोगों को इसे ऑप्ट करना चाहिए तो जी हाँ ये जो बाइक है ये कम्प्लीटली आपके जो क्रूज़र बाइक्स की कैटेगरी में आती है तो अगर आप लॉन्ग रूट करना चाहते हैं या फिर आप एक शान की सवारी चाहते हैं तो आप इस बाइक को ऑप्ट कर सकते हैं ये कम्प्लीटली आपके क्रूज़र सेक्शन में रहने वाली है तो जहाँ भी अगर क्रूज़र सेक्शन आता है तो वहाँ पे कम्प्लीटली आपका हाइट फैक्टर वेरी करता है ये बाइक जो होती है थोड़ी सी डाउन होती है और इनका जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है वो कम होता है और अगर सैडल हाइट की इसमें बात करूँ तो सेवन सिक्सटी फाइव मिलीमीटर होता है जो और बाइक से कम रहता है तो इसकी यहाँ पर एडवांटेज हो जाती है कि शॉर्ट राइडर्स के लिए बाइक काफ़ी ईजी होता है चलाना अब बाकी जो आपका इसमें फ्यूल टैंक रहने वाला है वो आपका 14 लीटर का इसमें फ्यूल फ्यूल टैंक प्रोवाइड करा जाता है एंड ओवरऑल बॉडी का जो वेट है वो ऑलमोस्ट आपका 172 सेवेंटी के जी होने वाला है इस बाइक का सो so गाइज अब हम इसकी इसमें बेसिकली हाइट टेस्ट करने वाले हैं तो मेरी जो हाइट है वो ऑलमोस्ट वन सेंटीमीटर है विच इज़ अप्रॉक्स अराउंड फाइव फुट नाइन इंच तो यहाँ पर आपको कम्प्लीटली आइडिया हो जाएगा कि ये आपके लिए कम्पैटेबल है या नहीं है आपकी हाइट से मैच करती है या नहीं है तो मेरी हाइट फाइव फोर्ट नाइन इंच थी तो ऑलमोस्ट uh, मेरे पैर इस पर आराम से पहुँच रहे थे और मुझे इसे कहीं भी चलाने में इशू नहीं लग रहा था और जिसमें मेरा बॉडी पॉस्चर था वो भी इसमें काफ़ी स्ट्रेट आ रहा था तो जब मैं इसे चला रहा था तो मुझे uh, काफ़ी इजी और स्मूथनेस फील हो रही थी और लाइक ऐसे थकान नहीं हुई थी मैंने इसको थर्टी टू फोर्टी किलोमीटर्स राइड करके टेस्ट लिया था तो इट्स इट्स कम्प्लीटली स्मूथ और बाइक की जो कंपैटिबिलिटी है रोड पे वो भी एक ग्रिप बनाकर चलती है तो इट्स टोटली अमेजिंग एंड वर्थ इट जो इसका एक्स शोरूम प्राइस आपके पास रहने वाला है वो ऑलमोस्ट वन पॉइंट सेवन वन से वन पॉइंट नाइन वन तक वेरी करता है इसमें ऑलमोस्ट सिक्स मॉडल्स आते हैं तो आपके लिए काफ़ी एडवांटेज है कि आप डिफरेंट कलर्स में भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ ये जावा फोर्टी टू अपग्रेडिड मॉडल में भी आया है तो आप स्पॉक व्हील्स की जगह इसमें अलॉय व्हील्स का ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं तो आई फील दैट दिट्स अ कम्प्लीटली गुड गुड पैकेज अगर आप अराउंड टू लैक्स में अगर कोई बाइक सोच रहे हैं और अगर आप क्रूजर बाइक में ऑप्ट करना चाहते हैं तो दिस इज इस, आप इसको भी एक ऑप्शन रख सकते हैं और इसकी भी एक टेस्ट राइड आप कर सकते हैं और इसको भी एक ऑप्शन में आप यूज़ कर सकते हैं बेसिकली और इंजन वाइज अगर अगर आप मेरा रिव्यू चाहते हैं तो मुझे इंजन काफ़ी रिफाइंड लगा तो आफ्टर ऑल दिस कंप्लीट रिव्यू इसके बाद हम मैं आपको इसका एक बार एग्जॉस्ट साउंड भी सुना देता हूँ कि इसका एग्जॉस्ट साउंड कैसा है गाइज़ यहाँ पर हम वीडियो को एंड करने वाले हैं पूरा आपको इस इसमें मैं आपको एक बार कंप्लीट व्यू दिखाने वाला हूँ कि हैंडलिंग किस तरीके से इस बाइक में है तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को सपोर्ट कीजिए आगे काफ़ी ऐसी वीडियोज़ आपके ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाली हैं सो थैंक यू गाइस